नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। और वक्त हो चला है 5 बड़ी खबरों का। डर से पहले श्रद्धा और आफताब का हुआ था झगड़ा, पुलिस के हाथ लगा बड़ा ऑडियो सबूत। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को बड़ा ऑडियो सबूत हाथ लगा है। पुलिस को आफताब का एक और ऑडियो मिला है। इसमें आफताब श्रद्धा से लड़ाई झगड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ऑडियो में आफताब और श्रद्धा के बीच बहस होती भी सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, ऑडियो से साबित हो रहा है कि आफताब श्रद्धा को टॉर्चर कर रहा है। दिल्ली पुलिस इन ऑडियो को बड़ा सबूत मान रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस ऑडियो से हत्याकांड की जांच में कत्ल का मोटिव पता करने में काफी मदद मिल सकती है। तुआंग में हिंसक झड़प के बाद चीनी विदेश मंत्री का बयान, भारत के साथ मजबूत संबंध कायम करने को है तैयार। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और मजबूत विकास के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। दोनों देश उन सीमावर्ती इलाकों में स्थिरता बनाए रखने के लिए राजी हैं जहां 2020 में तनाव बना हुआ था। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति चीन के विदेश संबंधों में एक सेमिनार में वांग ने कहा कि चीन और भारत ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संपर्क बनाए रखा है। दोनों देशों में सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए हम राजी हैं। गुजरात बीजेपी का गढ़ था और रहेगा, ऐतिहासिक जीत पर गर्जे शाह, आप पर भी बरसे शाह। गुजरात के सूरत में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नव निर्वाचित विधायकों का अभिनंदन किया गया। बीजेपी की सूरत शहर और जिला कमेटी की ओर से आयोजित नव निर्वाचित विधायकों की अभिनंदन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया। इसी बीच आपको बता दें कि अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुजरात चुनाव में जीत का खासा मुद्दा बताया। छात्राओं की डीपी के लेता था स्क्रीनशॉट, आरटीयू प्रोफेसर के मोबाइल से खुले कई बड़े राज। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि आरटीयू कोटा के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश पर रोज नए आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रोफेसर छात्राओं के मोबाइल डीपी के फोटो अपने मोबाइल में रखता था। प्रोफेसर गिरीश स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पर अपनी डीपी के फूल पत्तियों की जगह अच्छी फोटो लगाने की सलाह देता था, फिर डीपी से छात्राओं के फोटो के स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेता था। इसके बाद जब पुलिस को जानकारी दी गई तो मामले की जांच आगे हो रही है। चीन और पाक बॉर्डर पर तैनात होगा भारत का खतरनाक हथियार, 120 परले बैलिस्टिक मिसाइल की खरीद को दी गई मंजूरी। चीन और पाकिस्तान को मजबूती के साथ सबक सिखाने के लिए भारत सरकार अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रही है। चीन के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय के एक बड़े फैसले में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए लगभग 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसे ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स से हमेशा वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।